नमस्कार दोस्तों, जय जय मां शेरावाली। तो दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी मां शेरावाली के आशीर्वाद से आज बहुत ही अच्छे और स्वस्थ ही होंगे अपने अपने घरों में। तो दोस्तों, अब हो जाओ तैयार, क्योंकि दोस्तों यह समय आपको अब इनसे मिलवा कर ही छोड़ेंगे। क्योंकि दोस्तों, जब किसी का समय या किसी का वक्त आपका इंतजार करता है, तो वह किसी ना किसी दिन आपको मिलवा कर ही छोड़ते हैं। आज दोस्तों, आपको कोई रोक नहीं सकता है इनसे मिलने के लिए, क्योंकि दोस्तों आज ग्रह और गोचर के आधार से जीवन में नया नया प्रदर्शन हो चुके हैं, जिससे आपके लव लाइफ से बहुत बड़ी खुशखबरी या फिर दोस्तों बहुत बड़ी खुलासा होने जा रहे हैं। जब अपने लव राशिफल में किसी प्रकार की उत्पत्ति मचता है या फिर किसी प्रकार की समस्या आते हैं, तो उनकी खास मकसद ग्रह और गोचर ही रहते हैं, जिनके कारण दोस्तों आपको उन्हीं परेशानियों में उलझना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, इस राशि वाले वालों, आपको आज घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों वक्त तुम्हारा साथ है। जब समय आपके साथ रहेंगे तो कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। जब भगवान किसी को कुछ देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, उन्हें कोई टाल नहीं सकते हैं। उसी प्रकार से आज भगवान हर महादेव आपको बहुत ही बड़े वरदान देने जा रहे हैं। वह वरदान पाकर आप अपने जीवन में बहुत ही खुश रहेंगे। इसीलिए आपको बता देते हैं कि समय रहते इस वीडियो को जल्दी देख लो, वरना फिर दोस्तों आपको बाद में बहुत ज्यादा पछताना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुने हैं। और जैसे कि आपने आज थंबनेल और टाइटल में देखा दोस्तों, बिल्कुल वैसा ही होने वाला है। तो दोस्तों, इस राशि वालों, आइए सबसे पहले आप सभी को बता देते हैं कि दोस्तों अपने कुंडलियों में इतनी बड़ी बड़ी परेशानी तथा इतनी बड़ी बड़ी समस्या आता है, इनकी भी क्या खास मकसद रहते हैं। तो आपकी राशियों से रिलेटिव आपकी कुंडलियों में कुछ ऐसा योग प्रदर्शन हो चुके हैं। तो दोस्तों, इस राशि वालों, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं इसी वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको आज बता देते हैं कि अपना राशिफल कैसे रहने वाला है, अपना आज का दिन कैसे रहने वाला है, तथा इस राशि की प्रेम स्वास्थ्य संपत्ति नौकरी और व्यापार कैसे रहने वाला है। दोस्तों, यह सब संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होने वाला है, तो इस वीडियो को आज बिल्कुल ही मिस ना करें दोस्तों, और शुरू से अंत तक एक बार अवश्य ही देख लें, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के मध्य में बताई गई सारी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास रहने वाला है, जो कि दोस्तों आप सभी तक इस बात को पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आप सब सतर्क और सावधान हो सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, का इस राशि वालों, और आपको बता देते हैं कि आज राहु काल कितने बजे से कितने बजे तक रहने वाला है। चंद्रमा दोस्तों कौन सी राशि पर संचार करने वाली है, और साथ ही दोस्तों सूर्योदय और सूर्यास्त भी कब होने वाला है। दोस्तों, संपूर्ण तरह की जानकारी आपको प्राप्त होने वाला है, तो इस वीडियो को आज आधा अधूरा देख कर ना जाए, और शुरू से अंत तक एक बार अवश्य ही देख ले, क्योंकि दोस्तों अक्सर आप सब ऐसे करते हैं कि वीडियो को आधा अधूरा देखकर आगे बढ़ जाते हैं, जिसमें दोस्तों आप सभी को कोई संपूर्ण तरह की जानकारी प्राप्त नहीं होता है। और जब तक संपूर्ण तरह की जानकारी प्राप्त नहीं होगा, तब तक दोस्तों आप कोई शुभ कार्य नहीं कर पाएंगे, और अनजान में गलती से कोई गलत कदम उठा लेते हैं, जिनसे दोस्तों आप सभी को बहुत बड़ी परेशानियों का सामना
करना पड़ता है और बहुत बड़ी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है। तो आइए दोस्तों आखिरकार जानते हैं आज अपने जीवन काल में कौन सी परेशानियां आने वाली है, कौन सी समस्या या फिर दोस्तों कौन सी खुशखबरी आने वाले हैं। आज संपूर्ण तरह की जानकारी बताने जा रहे हैं इसी वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता देते हैं अपना आज का राशिफल के बारे में। अपना राशिफल में क्या होने वाला है, कौन सी समस्या और कौन सी परेशानियां उत्पन्न होने वाला है उनसे पहले दोस्तों जिसका भी बर्थडे हो या शादी का सालगिरह हो आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों कुंभ राशि वालों चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं एक शुभ विचार से। तो किसी ने ठीक ही कहा है मन और मकान वक्त वक्त पर साफ करना जरूरी है वरना मकान में बेमतलब के सामान और मन में गलतफहमियां भर जाते हैं। नियत साफ और मकसद सही है तो ईश्वर भी किसी ना किसी रूप में आपकी मदद करते हैं। मौसम बदले ना बदले हमें उम्मीद की कम से कम एक खिड़की तो खुली रखनी चाहिए। तो दोस्तों इस राशि वालों आप सभी को हमारा आज का यह शुभ विचार कैसा लगा, यदि अच्छा लगे हो तो एक लाइक करना ना भूले दोस्तों। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके। और अगर आप भगवान हर हर महादेव के सच्चे भक्त हो तो कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से एक बार नहीं बल्कि तीन बार जय जय माता दी अवश्य ही लिखें क्योंकि दोस्तों जय जय माता दी आज आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली है, सारी कष्टों को दूर करने वाली है। तो दोस्तों इस राशि वालों चलिए अब आपको बता देते हैं आज सुबह होने वाला है। तो दोस्तों इस राशि वालों चलिए अब आपको बता देते हैं अपनी राशि फलों के बारे में तथा अपनी जीवन काल के बारे में, अपनी भविष्य के बारे में। तो दोस्तों इस राशि वालों आज अपने जीवन काल में कानूनी चिंताओं की वजह से कोई यात्रा करनी पड़ सकती है। दुश्मनों और मतभेदों का सामना करें, काम में नए अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं। बातचीत करते समय ध्यान रखें, म्यूजिक और डांस से आपको तनाव से मुक्ति मिल सकती है। बच्चे और पालतू जानवर हर चिंता से मुक्ति दिलाएंगे। आज आपके अंदर का कवि या रचनात्मक कलाकार अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। रोमांटिक डेट पर जाने की योजना बनाएं, अपने व्यक्तित्व के रचनात्मक पक्ष को खोजें और उसका प्रयोग संबंधों को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। असफल होना जिंदगी का एक हिस्सा है, अगर आप असफल होते हैं तो आपको शिक्षा मिलती है। तो दोस्तों इस राशि वालों चलिए अब जानते हैं अपनी करियर के बारे में। आज का दिन गतिविधियों से भरा हुआ है, संचार के विभिन्न तरीके आपको व्यस्त रखेंगे और आपके कनेक्शन को भी बढ़ाएंगे। अपनी कला जैसे संगीत, नृत्य या फोटोग्राफी का प्रदर्शन करने के लिए भी यह समय अच्छा है। व्यावसायिक परेशानी या आयोजित भुगतान आज के शानदार दिन के रंग में भंग डाल सकते हैं। आज आप कुछ रचनात्मक करना चाहते हैं, अपने साथी के साथ रोमांटिक डिनर भी आज आपके कार्ड में है। आपकी भावनाएं आपकी आर्थिक समस्याओं को कम कर सकती है क्योंकि आज आप बेहद उत्साहित हैं। काम से पहले गहनता से विचार करें, लेकिन जब बात काम करने की आती है तो सोचना समझना छोड़कर कड़ी मेहनत करें। तो दोस्तों इस राशि वालों चलिए अब जानते हैं अपनी प्रेम संबंध के बारे में। भाई बहन या चचेरे भाई के साथ यह दिन मस्ती भरा बीतेगा। अपने शौक को पूरा करने के लिए समय निकालें और मिलने वाले अवसरों का सही उपयोग करें। प्रियतम से किए
वादे को पूरा करने का समय आ चुका है, क्योंकि अधूरे वादे अधूरे रिश्ते के समान है। लीजिए, अब आ गया है एक आवेशपूर्ण दिन केवल आपके लिए। अपनी नई चाहत का इजहार करने के लिए आज का दिन अच्छा है, बस इसका तरीका कुछ अलग और नया होना चाहिए। आज आप अपने खास दोस्त को किसी डेट पर ले जा सकते हैं, पेट कि इन तिथियों को ऐसे ही उड़ने दे, इन उत्कृष्ट क्षणों का मजा ले। तो दोस्तों, कुंभ राशि वालों, अगर आज आप कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं या फिर शुभ जगह पर जाना चाहते हैं, किसी प्रकार की परेशानियां आपको परेशान कर रहा है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपनी भाग्यशाली दिशा को अपना लेना होगा, तभी आप अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। तो आपके लिए दोस्तों आज भाग्यशाली दिशा पश्चिम रहने वाला है, भाग्यशाली संख्या 9 और भाग्यशाली रंग हरा रहने वाला है। अगर आप इन तीनों को अपने जीवन में एक बार अमल कर लेंगे तो आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आएंगे तथा चारों ओर से सफलता ही सफलता प्राप्त होते रहेंगे। तो दोस्तों इस राशि वालों, और अगर आप धन दौलत को लेकर आप बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, बहुत ही चिंतित हैं, तो आज ही का दिन आपको दोस्तों भगवान विष्णु का पूजा करना पड़ेगा। उसके पश्चात दोस्तों आपको अपने घरों में 5 ब्राह्मण को भोजन करवाना होगा, जिनसे आपके घर में आ रही समस्या खत्म हो जाएंगे। उनके पश्चात दोस्तों आपको प्रत्येक दिन सुबह तुलसी के पौधे में 1 लोटा जल अर्पित करना पड़ेगा, जिससे जीवन में आ रही समस्या खत्म होंगे और धन दौलत आना भी आरंभ हो जाएगा। आइए अब आपको बता देते हैं अपने लव लाइफ के बारे में। जैसे कि दोस्तों यह समय आपको इनसे मिलवा कर ही रहेंगे, आपको कोई रोक नहीं सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी से बिछड़ गए हैं और आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी दोस्तों आप भी इनकी पहचान बड़े ही आसानी से कर लो, जिनमें आपको अनेकों प्रकार के संकेत देखने को मिलेंगे और आप भी दोस्तों इनके करीब आकर्षित होने से नहीं रुक पाओगे। दोस्तों इस महिला की सुंदरता को देखकर आप पूरी तरह से मोहित होने वाले हो। आप दोस्तों इन्हें चाहकर भी नहीं भुला पाओगे, पहली ही नजर में यह महिला आपके दिल में बस जाएगी। और दोस्तों भले ही इनसे आपका मिलन पहली बार होता होगा, लेकिन यह औरत आपको पहले भी दोस्तों देख चुके हैं और दोस्तों अभी आपको खुद से पहचानने वाले हैं। तो इसमें दोस्तों आज इस वीडियो के महत्वपूर्ण आपको शुरू से लेकर अंत तक बताने वाले हैं महत्वपूर्ण भरी जानकारियां। साथ ही दोस्तों इस समय कुछ सावधानियां भी आपको विशेष तौर पर वर्थ है। दोस्तों चलिए आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में पूरी जानकारियां आपको बताते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को डोंट सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को प्यारा सा लाइक करके कमेंट सेक्शन में आप जय शनिदेव जरूर लिख देना। आइए दोस्तों पहले हम आपको बताते हैं इस वीडियो में आपके राशिफल के बारे में। तो बता दें कि आज का दिन आपके लिए दोस्तों अच्छा रहेगा। साथ ही बता दें कि आप सभी कोड़ों आपको लोगों का दोस्तों भरपूर सहयोग मिलेगा। साथ ही दोस्तों आपका सेहत के प्रति सतर्क रहना होगा, क्रोध पर अपने नियंत्रण एवं वाणी पर संयम रखना होगा, अन्यथा किसी बात विवाद में उलझन में भी पड़ सकते हैं। जी हाँ, आज प्रेम संबंधों में दोस्तों थोड़े बिगड़ा बन सकते हैं। साथ ही दोस्तों परिवार की खुशियां बना रहेगा। भविष्य को लेकर दोस्तों अभिभावक मार्गदर्शन करेंगे और नवरात्र के व्रत करें। साथ ही दोस्तों व्यर्थ के वाद विवाद में उतरने से भी आपको बचना होगा। आज के दिन दोस्तों आपके बहुत ही शुभ होने वाली है और दोस्तों आप सभी कोड़ों बता दें
कि इससे आपका मिलन होने की संभावना है और यह महिला खुद से आपको देखकर आकर्षित हो जाएगी दोस्तों बरकरार आपकी तरफ से ध्यान करेंगे आप भी इन्हें देखेंगे दोस्तों इनसे आपका लगाव हो जाएंगे आपकी पहली पसंद बन जाएंगे और दोस्तों इस महिला को मानो आप तो दुनिया में बसते हैं इस तरह से आपको चाहेंगे और इस महिला से आपका जान पहचान भी बढ़ जाएगा और मौका मिलते ही दोस्तों ये महिला आपसे बातचीत करने की करीब आ सकते हैं बातचीत से दोस्तों शुरुआत कर सकते हैं और आपसे दोस्तों इनका प्रेम मिलाप होने की संभावनाएं हैं दोस्तों यह औरत आपको काले रंग नीले रंग गुलाबी रंग या फिर नारंगी रंग के वस्त्र में मिलने की संभावनाएं हैं जी हाँ दोस्तों अब आप अच्छी तरह से पहचान जाएंगे साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात का जरूरी ध्यान रखना है कि अगर आप एक शादीशुदा व्यक्ति है तो दोस्तों इस औरत के इस महिला के प्रेम में आपको पड़ने से थोड़ा बचना चाहिए दोस्तों यह महिला आपके जुड़ेंगे तो जल्द ही अलग होना नहीं चाहेंगे ऐसे में दोस्तों आप भी इनके प्यार में लिप्त हो जाएंगे जिनकी वजह से आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ सकते हैं तो इससे में आपको दोस्तों इस बात का जितना ध्यान रखोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा और आशा करता हूँ कि आपको सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे जी हाँ दोस्तों अब हम आपको कुछ सावधानियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें इस समय आपको बरतना है दोस्तों इस समय दूसरों की बुराई आपको करने से बचना है दोस्तों आप इस समय भावनाओं को बहकर किसी के भी सामने दूसरों की बुराई ना करें अगर दूसरों की बुराई करते हैं अगर दोस्तों आपका वह इंसान नहीं सुनते हैं तो भगवान जरूर सुनते हैं जी हाँ और आपको बता दें कि आपको अंदाजा नहीं होगा कि आप जिनकी बुराई कर रहे हैं उन तक आपकी बुराई का बात पहुंच जा दोस्तों पहुंच जा रही है जिस इंसान के पास आप बोलते हैं उसी इंसान ने दोस्तों उस बात को उस इंसान के पास पहुंचा देते हैं और आपके जीवन में काफी परेशानियां बढ़ जाएगी और काफी परेशानियां बढ़ सकते हैं अगर दोस्तों आप ऐसा करते हैं तो सावधान हो जाए सतर्क हो जाए वरना आपको बहुत ज्यादा परेशानियां पड़ सकता है आप इस समय किसी की भी बुराई भूलकर भी ना करें आपके लिए अच्छा होगा साथ ही दोस्तों दूसरों की बहकावे या फिर लालच में बिल्कुल ना पड़े और कोई भी अनजान व्यक्ति या फिर कोई जान पहचान वाले व्यक्ति भी आपको बकाने की कोशिश कर सकते हैं और दोस्तों उन्हें आपसे किसी चीज की आवश्यकता होगी तो ऐसे में दोस्तों आपको बहका की कोशिश कर सकते हैं या फिर आपको दोस्तों लालसा दे सकते हैं और जिनकी वजह से आप बहकाहों में आपका फायदा उठा सकते हैं और वह फायदा आपका उठा लेंगे जी हाँ इसीलिए यह सब चीजों से आप लुप्त रहे और साथ ही बता दें कि आप श्रव का सेवन करते हैं तो आप श्रव का सेवन नासे के सेवन ना करें कुछ व्यक्ति को अभद्र भाषा आप बोल सकते हैं नशे के लालच में नशे की दोस्तों भोर में अगर आप नशे करते हो तो नशा ना करें नहीं तो आपके लिए जीवन में वाद विवादों का संकेत बना रहेगा वाद विवादों का संकेत आपको बहुत ज्यादा चढ़ जाएगा जी हाँ बाकी आप सभी को बता दें कि अगर मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके और दोस्तों आप इस चैनल पे जुड़े रहिएगा क्योंकि इस चैनल पे हर एक जानकारियां अच्छी तरह से मिल जाता है जी हाँ अच्छी तरह से आपके जीवन में और आप स्वस्थ बने रहें सकेंगे अब समय आ गया है कि आप अपने पार्टनर के साथ बैठकर उन सारे मुद्दों कोडोट सुलझा ले जो अभी हाल फिलहाल दोनों कोडोट परेशान करते आ रहे हैं यह बातें आप दोनों की भावनाओं और एक दूसरे के प्रति समर्पण
को लेकर हो सकती हैं यह सामान्य से दिखने वाले घरेलू मुद्दों के बारे में भी हो सकती हैं, जिसे आप दोनों नजरअंदाज कर रहे हो। सच बात यह है कि अब आप दोनों को मिलकर ये कोई कदम उठाना होगा। बेहतर संचार आपके लिए लाभ का मार्ग प्रशस्त करेगा और आपको इस मोड़ पर बुद्धिमानी से इस कौशल का उपयोग करना होगा। आपका व्यावसायिक विवेक आज शीर्ष स्तर पर रहेगा। आपको भविष्य में बिक्री और सहभागिता के आकलन के लिए कहा जा सकता है। आपकी मजबूत ज्ञान युक्त विवेकपूर्ण क्षमता इसमें आपकी मदद करेगी। प्रभावशाली लोगों का सहयोग आपके उत्साह कोड़ों दोगुना कर देगा। धन की आवाजाही आज दिन भर होती रहेगी और दिन ढलने के बाद आप बचत करने में भी सक्षम हो पाएंगे। ऐसे विवादास्पद मुद्दों पर बहस करने से बचे जो आपके और प्रियजनों के बीच गतिरोध पैदा कर सकते हैं। अपने प्रिय की पुरानी बातों को डोट माफ करके आप अपनी जिंदगी में सुधार ला सकते हैं। आज के दिन कार्य क्षेत्र में चीजें वाकई बेहतरी की ओर बढ़ सकेंगी अगर आप आगे बढ़कर उन लोगों से भी दुआ सलाम करें जो आपको ज्यादा पसंद नहीं करते। आप खाली समय में अपने पसंदीदा काम करना पसंद करते हैं। आज भी आप ऐसा ही कुछ करने का सोचेंगे, लेकिन किसी शख्स के घर में आने की वजह से आपका यह प्लान चौपट हो सकता है। कहते हैं कि स्त्रियां शुक्र और पुरुष मंगल ग्रह के रहने वाले हैं, लेकिन आज के दिन विवाहित शुक्र और मंगल एक दूसरे में खुल जाएंगे। किसी सज्जन पुरुष की देवी बातें आपको दोष और ढांढस बंधाएगी। भविष्य में अगर आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनना है तो आज से ही धन की बचत करें। आपके आकर्षण और व्यक्तित्व के जरिए आपको कुछ नए दोस्त मिलेंगे। शाम को प्रिय के साथ रोमांटिक मुलाकात और साथ में कहीं लजीज खाना खाने के लिहाज से बढ़िया दिन है। आज अनुभवी लोगों से जुड़कर जानने की कोशिश करें कि उनका क्या कहना है। अपने मन पर काबू रखना सीखें, क्योंकि कई बार आप मन की मानकर अपना कीमती समय बर्बाद कर देते हैं। आज भी आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ थोड़ा हंसी मजाक थोड़ी छेड़छाड़ आपको किशोरावस्था के दिनों की याद दिला देंगे। आज हम आपको उन तीन गलतियों के बारे में बताएंगे और साथ ही यह भी बताएंगे कि आपको क्या करना है ताकि आपके जीवन में समय से पहले ही आपके नसीब का लिखा हुआ मिल सके। कई लोग इस बात से चिंतित रहते हैं कि उनके भाग्य में क्या लिखा है और वह कब मिलेगा, तो चिंता ना करें। इस वीडियो में आपको हर जरूरी जानकारी मिलेगी और आने वाले समय में आपका भाग्य खुल जाएगा और नसीब चमक जाएगा। जो इंसान खून के आंसू रो रहे हैं और दुखों से पीड़ित हैं, उनके लिए भी बहुत सरल उपाय है। अगर आप यह उपाय सही सलामत से अपने जीवन में एक बार कर लेंगे तो फिर आपको कभी भी आपके दुश्मनों से परेशान नहीं होना पड़ेगा। कोई कितना भी चाहे आपका नुकसान नहीं कर पाएगा। चलिए जान लेते हैं तीन गलतियों के बारे में जिन्हें करने से आपको बचना चाहिए। सबसे पहले आपको क्रोध करने से बचना होगा, क्योंकि क्रोध करने से आपका बना बनाया काम भी बिगड़ सकता है और आपके दुश्मन उसका फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा आप आंख बंद कर किसी के ऊपर भरोसा ना करें। किसी को अपनी गुप्त बातें बताने से बचे, क्योंकि बहुत से लोग आपके आसपास ऐसे मौजूद हैं जो आपकी गुप्त बातें जानकर उसका गलत फायदा उठाते हैं और आपको नीचा दिखाने की या आपका नुकसान करने की कोशिश करते हैं। इन्हीं में एक औरत भी ऐसी है जो आपकी सारी गुप्त बातें जानकर समय आने पर आपकी सारी पोल खोल सकती है, जिसकी वजह से आपको अपने व्यापार में, परिवार में, समाज में हर जगह परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपके अपनों के बीच सब राज
खोलकर उनकी नज में आपको गिरा सकती है। दोस्तों, यह तो आपको भी पता होगा कि आपका कौन सा राज है जिसे अपने किसी स्त्री कोडोट बताया हुआ है, और वह राज की बात अगर खुल गई तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप किसी को मुंह दिखने लायक नहीं रहेंगे और इससे आपके जीवन में बहुत ही प्रभाव पड़ेगा, आपके लव लाइफ में, स्वास्थ्य में और आपके करियर में भी। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप जिसको भी अपनी राज की बात बता, उनके पोल खोलने से पहले आप उन्हें थोड़ा समझाइए और उन्हें अपने चिकनी चुकनी बातों में फंसा लीजिए, ताकि आपकी राज की बात बाहर ना आए। और अपने जीवन में यह जरूर याद रखना कि अपनी राज की बातें आप किसी से भी शेयर ना करें, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है, आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सावधान रहिए और अपनी बातों को अपने तक ही रखिए। आशा करते हैं और यह तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करने की चाहत रखते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं आखिरकार यह महिला कौन है और आपसे क्या चाहती है। आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं अपनी इसी वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि आज अपना राशिफल कैसे रहने वाला है, साथ ही दोस्तों अपना आज का दिन भी कैसे रहने वाला है, तथा आज अपनी प्रेम, स्वास्थ्य, संपत्ति, नौकरी, व्यापार, लव लाइफ, करियर से संबंधित सारी जानकारी आज हम आपको अपनी इसी वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। बस वीडियो को आज बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से अंत तक एक बार अवश्य ही देख ले। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के मध्य में बताई गई सारी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास रहने वाली है, जो कि ज्योतिष द्वारा गणना करके आप सभी तक इस बात कोडोट पहुंचाने की प्रयास कर रहे, ताकि दोस्तों आप सब अपने जीवन में पूरी तरह से सतर्क और सावधान हो सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, साथ ही हम आपको बता देते हैं कि आज राहु काल कितने बजे से कितने बजे तक रहेंगे, तथा चंद्रमा कौन सी राशि पर संचार करने वाला है, और साथ ही दोस्तों सूर्योदय और सूर्यास्त भी कब होने वाले हैं, आज हम आपको विस्तार से सारी बातें बताने जा रहे हैं। बस हमारे इस वीडियो को आज आप सब आधा अधूरा देख कर ना जाएं और शुरू से अंत तक दोस्तों एक बार अवश्य ही देख ले। जी हाँ दोस्तों, अक्सर आप सब ऐसे करते हैं कि वीडियो कोडोट आधा अधूरा देखकर आगे बढ़ जाते हैं, जिसमें आप सभी को कोई संपूर्ण तरह की जानकारी प्राप्त नहीं होता है। और जब तक दोस्तों संपूर्ण तरह की जानकारी प्राप्त नहीं होगा, तब तक आप कोई भी शुभ कार्य नहीं कर पाएंगे, और अनजाने में गलतियों से दोस्तों कोई ऐसे गलत कदम उठा लेते हैं जिसमें आप सभी कोडोट बहुत ही बड़ी परेशानियां का सामना करना पड़ता है, बहुत ही बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आइए दोस्तों, हम आप सभी को बता देते हैं सबसे पहले आज अपनी राशि फलों के बारे में। उनसे पहले दोस्तों, जिनकी आज बर्थडे है या फिर दोस्तों एनिवर्सरी हो, आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए वीडियो कोडोट प्रारंभ करते हैं दोस्तों एक सुविचार से। तो किसी ने ठीक कहा है दोस्तों, आज अच्छे काम करते रहिए, चाहे लोग तारीफ करें या ना करें, आधी से ज्यादा दुनिया सोती रहती है, सूरज फिर भी उगता रहता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप अच्छे कार्य करते हैं तो आपका कार्य अवश्य ही सफल होते रहेगा। दोस्तों, आप सभी को आज कि हमारी सुविचार कैसा लगा, अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना ना भूले दोस्तों, और अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को दबा देना, ताकि हमारे वीडियो आप सभी तक
पहुंचे और माता रानी माँ भवानी की। दोस्तों, सच्चे भक्त हो तो कमेंट बॉक्स में अपने सच्चे हृदय मन भाव से जय माता रानी जय माता भवानी अवश्य लिखें, क्योंकि दोस्तों माता रानी माँ भवानी आज आपकी सारे मनोकामनाएं को पूर्ण करने वाली है, सारे कष्ट को दूर करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आइए हम आपको बता देते हैं अपने पंचांग के बारे में। तो दोस्तों, आज की पंचांग है सितंबर, रात 7:01 मिनट तक रहेंगी। उसके उपरांत दोस्तों चतुर्थी तिथि प्रारंभ होने वाला है। साथ ही आज राहु का लाने की अशुभ समय दोस्तों सुबह की 7:50 से 9:01 तक रहेंगे। आप दोस्तों इस बीच कोई भी शुभ कार्य ना करें, अन्यथा दोस्तों विघ्न उत्पन्न भी हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज सूर्योदय सुबह की 6:02 में होने वाला है और साथ ही दोस्तों सूर्यास्त शाम की 6:01 में होने जा रहा है। आइए दोस्तों जानते हैं अब अपनी राशि फलों के बारे में तथा दोस्तों अपने जीवन काल के बारे में, अपने भविष्य के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज अपने जीवन काल में दोस्तों जो लोग आप पर निर्भर करता है वह आपकी चिंता कर सकते हैं। कड़ी मेहनत करें और आने वाले दिनों में आपको अच्छा भाग्य मिलेगा। अगर आपके परिवार या प्रयोजनों को आपकी जरूरत है तो दोस्तों उनके आराम को प्राथमिकताएं दे या शायद उनके साथ रहने के लिए एक छोटी सी यात्रा करें। दोस्तों आप अपने सामाजिक में एक समाज जनक स्थिति का आनंद लेंगे। साथ ही दोस्तों अपने लक्ष्य को प्रभावित करना आपके लाभ के लिए काम करेगा। जी हाँ दोस्तों, अपने परिवार और दोस्तों से दोस्तों अपने विचारों कोडोट जरूर बांटे, जोखिम लेने में झक ना करें। और याद रखें कि जब तक दोस्तों आप अपनी नजर मैदान पर नहीं रखेंगे तब तक आप उस ऊंचाई की खोज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों जो व्यक्ति अपने मन और अपने लगन से कार्य करता है उसको एक ना एक दिन सफलता अवश्य ही प्राप्त होते हैं और वह सफलता के लायक भी रहता है। इसीलिए हम आपको बता देते हैं कि दोस्तों आप सब मेहनत करते रहो, मेहनत का फल आपको अवश्य ही प्राप्त होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आइए अब हम आप सभी को बता देते हैं अपने करियर के बारे में। तो दोस्तों आज अपने करियर में क्या क्या होने वाला है, कौन कौन सी परेशानियां या फिर दोस्तों कौन कौन सी खुशखबरी प्राप्त होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि अपने जीवन काल में अपने कुंडलियों में अपने करियर में दोस्तों अपनी आत्म अंतर की सुने और अपने कोई भी निर्णय उसके परिणामों के बारे में जानकर कौशल प्रशिक्षण यह नया ज्ञान अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए अच्छा तरीके हैं। अपने दिनचर्या कोडोट दोस्तों बदलकर आप अपनी व्यवहार आदतों कोडोट सुधारा जा सकता है। दोस्तों किसी पर तुरंत विश्वास ना करें और धोखे से बचे। आपका बिजनेस आज पूरी तरह से संतोषजनक है। काम के प्रति अपने लक्ष्य को पूरी तरह से दोस्तों फिर से भी निर्धारित करते रहे, इससे दोस्तों आपको फायदा होगा। दोस्तों तो पुराने विचारों आपको निराश नहीं करेंगे, किंतु नए प्रोजेक्ट में निवेश करने के लिए यह समय अच्छा है। जोखिम लेने से पीछे ना हटे, क्योंकि दोस्तों जब तक आप जमीन पर रहेंगे तब तक ऊंचाई नहीं छू पाएंगे। जीवन की ओर आगे बढ़ने की नया संगम करना आपके लिए अनिवार्य हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आइए हम आप सभी को बता देते हैं अब अपनी प्रेम संबंधियों के बारे में तथा दोस्तों अपने लव लाइफ के बारे में, अपने जीवन काल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी कोडोट बता देते हैं कि आज अपनी लव लाइफ, अपने मैरिड लाइफ तथा अपने रिलेशनशिप में क्या क्या होने वाला है, कौन कौन सी खुशियां या फिर कौन कौन सी परेशानियां उत्पन्न होने वाले हैं। दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि इस समय आप प्रेम के रंग में पूरी तरह से रंगे
और रंगते हुए हैं दोस्तों, और यह महसूस कर रहे हैं कि कोई अलौकिक शक्ति इस रंग को और भी गहरा बना रहे हैं दोस्तों। मुकदमा बाजिया कोई दुर्घटनाओं चिंता का कारण हो सकता है। आज आपको प्यार के मुख अपने कार्यस्थल पार्टी या किसी अन्य अवसरों के माध्यम से मिल सकते हैं दोस्तों। अपने कुल रफ और आकर्षण का प्रयोग करके अपने साथी को हमेशा अपने करीब करें। अपने पार्टनर से अभी आपको पूरा सहयोग मिलेगा, इसीलिए दोस्तों इस सुनहरे अवसर को डोट अपने हाथ से जाने ना दे, नहीं तो आपको फिर बाद में बहुत ही ज्यादा पछताना पड़ सकता है। क्योंकि दोस्तों एक बार अगर किसी कारण वश एक सुनहरे अवसर हाथ से निकल जाता है तो दोस्तों उसे फिर हासिल करने में बहुत टाइम लग जाते हैं और आपको फिर बाद में बहुत ही ज्यादा पछताना भी पड़ सकता है। इसीलिए दोस्तों हम आप सभी को बता देते हैं कि यह खूबसूरत महिलाओं जो आपके जीवन में आ रही हैं, जो आपके साथ संबंध बनाना चाह रहे हैं, इसे दोस्तों आप हाथ से बिल्कुल निकलने मत देना, वरना आपको बाद में बहुत ही ज्यादा पछताना पड़ सकता है। क्योंकि दोस्तों जब भी अपने जीवन में अक्सर मौका आता है तो वह भी एक ही बार आते हैं, और वैसे मौके को अगर आप हाथ से निकलने दे देते हैं तो फिर दोस्तों आपको बहुत ज्यादा पछताना पड़ सकता है और ऐसे सुनहरे मौके को फिर ढूंढने में बहुत टाइम भी लग जाएंगे। इसीलिए हम आपको बता देते हैं यह महिला सबके सामने नहीं बल्कि दोस्तों चुपचाप अकेले में आपसे मिलना चाहती है, आपके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाह रहे हैं। इसीलिए दोस्तों यह तुम्हें देखकर ही इशारा करने वाले हैं, इनकी खास फितरत यही है दोस्तों, या और कोई नहीं, तुम्हारा ही परोस के रहने वाली है दोस्तों, और तुमसे बस इतना मोहब्बत करते हैं, तुम्हारे साथ साथ जन्मों तक रहने की कसमें भी खा चुकी है। इसलिए हम आपको बता देते हैं ऐसे सुनहरे मौके को हाथ से बिल्कुल ही जाने मत देना, वरना फिर आपको पूरी जिंदगी भर पछताना पड़ सकता है। पूरी लाइफ दोस्तों आपका खराब हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को आज की हमारी इस वीडियो कैसा लगा दोस्तों, अगर अच्छे लगे हो तो एक लाइक करना ना भूल, और अगर हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को डोट दबा देना, ताकि हमारे वीडियो आप सभी तक पहुंचे। और माता रानी माँ भवानी की सच्चे भक्त हो तो कमेंट बॉक्स में अपने सच्चे हृदय मन भाव से जय माता रानी जय माँ भवानी अवश्य लिखी, क्योंकि दोस्तों माता रानी माता भवानी आज आपकी सारी मनोकामनाएं को पूर्ण करने वाली है, सारी कष्ट को दूर करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर समय का अभाव परेशान करने वाला है, अत्यधिक शंक का स्वभाव आपको परेशान करने वाला है। अगर आप भी अपने साथी पर बार बार शक करते हैं तो यह चीजें थोड़ी सी परेशान करने वाली है। ध्यान दीजिएगा, अपने करियर कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए कई बड़े अवसर मिलेंगे, लेकिन इसका लाभ प्राप्त करने के लिए अपने समय और ऊर्जा का प्रबंधन आपको करके चलना है। नौकरी पेशा लोगों को अपने कार्यक्षेत्र में अपने काम को आगे बढ़ाने से बचना है, किसी और के भरोसे भी नहीं छोड़ना है, वरना बना बनाया काम अंत में जाकर बिगड़ सकता है। आपके कारोबार में तेज देखने को मिलेगी, आपके कारोबार में प्रगति देखने को मिलेगी, जो कि वास्तविकता में आपके कामों को काफी ऊंचे स्तर पर पहुंचा देगी। शारीरिक और मानसिक पीड़ा से अगर बचना चाहते हैं तो अपनी सेहत का खास ख्याल रखें, खानपान का खास ख्याल रखें। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को अध्ययन के प्रति एकाग्रता को भंग नहीं करना है, इतना ध्यान रखिएगा।
साथ ही साथ आपके सोचे हुए काम समय पर और सरलता से पूरे होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में खुद को चुस्त दुरुस्त रखना है। सीनियर जूनियर दोनों ही आपकी मदद करेंगे। घर परिवार सदस्यों का भरपूर सहयोग आपको मिलेगा। बाजार में आई तेजी का लाभ उठाने में भी आप कामयाब रहेंगे। यदि आप किसी योजना अथवा कारोबार में निवेश करने के लिए लंबे समय से सोच रहे थे तो आपके किसी मित्र खास मित्र की मदद से वह कामना पूरी होने वाली है। सुख सुविधाओं से जुड़े साधनों पर या फिर घर की मरम्मत पर भी धन खर्च आप कर सकते हैं, जिससे कि आपका बजट जो गड़बड़ा गया था वह थोड़ा और गड़बड़ाएगा। लेकिन आपको चिंता नहीं करनी है। अज्ञात भय नहीं पालने की, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मालिक सब अच्छा करेगा, चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है। आइए कुछ सावधानियों का जिक्र कर लेते हैं जो आपके बहुत काम आएगी। इन सावधानियों को कैसे बरतना है उपाय बहुत शानदार वीडियो में हमने बताए, इसीलिए थोड़ा सा समय निकालें और वीडियो को अंत तक देखें। घर परिवार से जुड़ी कोई समस्या आपकी चिंता का कारण बन सकती है। आपको उन लोगों से बहुत सतर्क रहने की कोशिश है जिससे बार बार आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिल रही है। जो लोग बार बार आपको गुमराह कर रहे हैं या फिर आपके काम को बिगाड़ने की फिराक में लगे रहते हैं, ऐसे लोगों से आपको बचना है। इन 3 दिनों में यह खास सावधानी हमारे ध्यान रखिएगा। हम आपको एक बात बता ही चुके हैं कि स्वास्थ्य के मामले में सतर्क रहना है, क्योंकि मौसमी बीमारियां पुराने रोगों कोडोट फिर से ला सकती हैं। साथ ही साथ वाहन चला रहे हैं तो सावधानी के साथ चलाएं। वाहन के साथ साथ यात्रा पर है अपना तो सामान का खास ख्याल रखें। चोरी होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। प्रेम संबंध में 3 दिनों में बहुत सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है। ऐसा कोई कार्य आपको नहीं करना है जो आपके रिश्तों को खोखला कर दे या रिश्तों को कमजोर कर दे। यदि आप सिंगल हैं और किसी के सामने अपने दिल की बात कहने की सोच रहे हैं तो उचित समय का इंतजार करना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ लंबे समय से रोजी रोजगार की तलाश में अगर भटक रहे थे तो आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है। आपको कार्यक्षेत्र में सम्मान की प्राप्ति होने वाली है। साथ ही साथ कारोबार से संबंधित छोटी मोटी बाधाएं यात्रा आपको करनी पड़ सकती हैं, अपने विवेक से उन्हें दूर करने में कामयाब रहेंगे। जो भी बाधाएं आपके जीवन में आ रही हैं, नव विवाहित लोगों को संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। घर में किसी प्रिय व्यक्ति के आगमन से खुशियों का माहौल जबरदस्त बना रहेगा। परिवार के सदस्यों के साथ खुशी भरे समय बिताएंगे और परिवार में किसी सदस्य को मिली उपलब्धि के कारण आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। अपने पार्टनर के साथ बेहतरीन ट्यूनिंग आपको देखने को मिलेगी और दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। लंबी या छोटी दूरी की यात्रा हो सकती है, लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखिए, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो जाए अपने साथी पर कभी शक नहीं करना है। शंका को अपने जीवन में स्थान आपको नहीं देना है, क्योंकि कुछ लोग हैं दोस्तों जो हमेशा आपको गलत ठहराते हैं और आपके रिश्तों में खलल डालने की कोशिश करते हैं। यकीनन अगर वह चीज बहुत ज्यादा बढ़ गई तो आपके रिश्ते आपसे दूर हो जाएंगे। आपको अपने आप को इस तरह से सबके बीच पेश करना है कि आप बहुत विनम्र हैं, आपका कोई मुंह मुकाबला नहीं कर सकता। इतना ध्यान रखिएगा, लेकिन विनम्रता का स्वभाव हमें त्यागना नहीं है। बेरोजगार लोगों को डोट अच्छा कॉल आ सकता है, अच्छा ऑफर मिल सकता है। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि हर किसी के बस में वह नहीं होता जैसा वह चाहता है, लेकिन हम ऐसा कहते हैं जो महादेव के भक्त होते हैं उन्हें वह भी मिल जाता है जो उनके
उनके भाग्य में नहीं लिखा होता, क्योंकि बाकी के देवता सोच समझ कर देते हैं, लेकिन महादेव बिना सोचे समझे बिंदास देते हैं। इसलिए महादेव की भक्ति करिए, रोजाना एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करिए, आपके जीवन में वह उछाल आएगा आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इसी बात पर दो उपाय हम आपको बताना चाहते हैं। अगर आप यह दो उपाय सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं, तो काम बेहतरीन होगा, किस्मत चमक जाएगी। सबसे पहला उपाय दोस्तों, आखिर क्या है सबसे पहला उपाय? यही है कि आपको शिव मंदिर जाना है और भोले बाबा के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाने के बाद एक बेलपत्र के साथ एक काली मिर्ची अर्पित करनी है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले सच्चे मनोभाव से पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय बोलते हुए एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करें। लेकिन दोस्तों उसके बाद आपको एक बिल्व पत्र और एक काली मिर्च शिवलिंग पर चढ़ाने हैं, तीन बार ताली बजानी और बोलना है बम बम भोले, अपनी मनोकामना रखकर शिव मंदिर से घर आ जाइए, आपका काम हो जाएगा। दूसरा उपाय मंगलवार के लिए बता रहे हैं, जो कि हनुमान जी का दिन है और यहाँ पर ढेर सारे हनुमान जी के भक्त मौजूद हैं। देखिए हनुमान जी महाराज को बूंदी के लड्डू बहुत पसंद है, तो मंगलवार के दिन अगर मौका मिले, आपकी संतुष्टि हो या आपकी स्थिति हो, तो थोड़े बहुत बूंदी के लड्डू लेकर हनुमान मंदिर जाइएगा, उन्हें भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद एक बात का खास ख्याल रखना है कि जो भोग के लड्डू है यह वहीं पर आसपास बांटकर खत्म कर देना है, घर लेकर नहीं जाने हैं। आपकी जिंदगी की समस्त मनोकामनाएं पूरी होगी, इस बात की गारंटी हम आपको देते हैं। अगला उपाय है दोस्तों, शुक्रवार का शाम के समय तुलसी माता के समक्ष एक देसी घी का दीपक जलाएं, मंत्र बोलना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जबरदस्त उपाय है, जो इंसान करता है उसके जीवन में अपार मात्रा में लाभ की प्राप्ति होती है। जिंदगी में कितने भी बुरे हालात हो, मैं हर वक्त चलता रहता हूँ, इसलिए इसी कारण मैं जीत जाता हूँ। इंसान अगर तू भी मेरे साथ चलेगा तो मैं तुझे कभी हारने नहीं दूंगा। जो इंसान समय के साथ चलता है वह जीवन में कभी नहीं हारता, यह बात ध्यान रखिएगा। आप जहाँ पर भी काम करते हैं, जो भी आपके सहकर्मी हैं, जितना भी बड़ा आपका ग्रुप है, उन सभी के बीच में आपकी लोकप्रियता बढ़ने वाली है, क्योंकि आप मेहनती है, कर्मठ है, आप कामों को बहुत ईमानदारी से दिल लगाकर करते हैं। लेकिन वहां पर कुछ लोग तो होंगे जो खुश होंगे कि आपकी लोकप्रियता बढ़ रही है, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो सोचेंगे कि अब आपको रास्ते से हटाना होगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो प्लानिंग करने लग जाएंगे कि इस व्यक्ति को डोट नीचे कैसे लाया जाए, तो वह अफवाह उड़ा देंगे। वैसे आप पार्लर वस्त्र विक्रेता जैसी चीजों में भी सफल होते हैं, जैसे कि कॉस्मेटिक्स वगैरह के, या फिर शनिदेव वाले क्षेत्रों में भी आपको मेगा आराम से मिलते हैं। वैसे आपको टीम करना ज्यादा पसंद है, आप खुद अगर बड़े बिजनेसमैन हैं तो आपके अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं, तो आपको ज्यादा अच्छा लगता कि या होते हैं संतुलन की राशि, इसलिए यह खूबसूरत चीजों से मोहित भी होते हैं और हर जगह एक बेहतर संतुलन बनाकर चलते हैं, बिल्कुल परफेक्ट, क्योंकि इन्हें सलीके से रहना, चीजों को व्यवस्थित रखना पसंद और न्याय प्रिय होते हैं। जीवन में संघर्ष इन्हें पसंद नहीं, जहां तक संभव यह शांति बनाए रखते हैं और शांति के साथ रहते हैं, मेरे पसंद आता है। दूसरी तरफ समस्याएं तो तब आती है कि जीवन में दबे लोगों के बीच किसी एक को चुनना होता है, तब दुविधा में फंस जाते हैं।
हैं और उनकी राय यह वाले जो भी करते हैं उसमें परफेक्ट देते हैं है, और हर जगह अपना एक छाप भी छोड़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे गुण आपके अंदर छिपे हुए हैं और वह शायद किसी और में नहीं पाया जाता। तुम दोनों के बारे में और भी बातें हम करेंगे और साथ ही यह भी बताएंगे कि जीवन में इतने बदनामियां आपको क्यों मिलती है। तो चलिए और भी आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं, आपके लिए पैसा जुटाना आपके लिए मुश्किल नहीं होता, लेकिन आप कोई भी काम करते हैं तो पहले मार्केट का रुख देख लें और फिर आगे बढ़े, यह आपके लिए ज्यादा खूबसूरत होता है। और दूसरी तरफ वो आज आप जो है के लोगों से, ऐसे लोगों से सावधान रहिए जो आपको गलत जगह फंसाने के चक्कर में हैं या जो लोग गलत चीजों में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे मोड़ आते हैं जहां आप बेवजह बदनाम हो जाते हैं। मैं कभी सुना मानो के जीवन में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी चीजें हो जाती है, विवाहतर संबंध जिसे कहते हैं, या फिर गलत आकर्षण में गलत चीजों में फंस कर बेवजह बहुत सारी परेशानियां खुद ब खुद आप रीड कर लेते हो। और यही सिर्फ एक बदनामी की वजह नहीं है, बदनामी की वजह भी बहुत है। हम आपको बताएंगे कि एक बार वाले जो भी करते हैं बड़े शिद्दत के साथ, प्रेम भी करेंगे तो बहुत ही शिद्दत के साथ, पूरी तरह से अपने आप को यहाँ पर न्योछावर करेंगे, और विपरीत परिस्थितियों में भी अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना इन्हें आता। बहुत ही मीठा बोलते हैं, मृदु भाषी होते हैं, दूसरी तरफ अकेले रहना अजीब तो लगता है, लेकिन इन कॉन्फिडेंस इनके अंदर काम करने की क्षमता है। वह कह सकते हैं कि रणनीतिकार होते हैं, कूटनीतिज्ञ होते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर एक न्यू वीडियो आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।